कई स्टूडेंट ये प्रश्न करते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है टॉपर बनने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मित्रों, इस बात का जवाब देने से पहले कुछ और जरूरी पहलुओं पर चर्चा जरूर करूंगा। पुराने समय में ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इन सब का डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुआ करता था और बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन अपेक्षाकृत ज़्यादा हुआ करता था। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होती है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारा लूज़ हो जाए, दिमाग बार बार इधर उधर भटकने लगे, तो हम कितना भी घंटे बैठ करके पढ़ाई करें, हमको आउटपुट बहुत ही कम मिलने वाला है। तो मित्रों, इस चीज़ को समझने के बाद हम ये देखें कि हमें किस किस चीज़ की आदत है। हमारे पास अगर मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, और बार बार हमारा दिमाग इन सब चीज़ों में जाता है, तो फिर हम कितने भी घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उसका ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है मित्रों, जो हमारी एकाग्रता को भंग करते जा रहा है उन चीज़ों से दूरी बना करके रखना। अब आप बोल सकते हैं कि इससे दूरी तो संभव ही नहीं है, इसके बिना तो ज़िंदगी सूना हो जाएगा। तो मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इससे पूरी तरह से अलग हो जाना है, पर अगर आप इनसे अलग हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नहीं तो आप शुरुआत में इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम 1 या 2 घंटे का समय ऐसा ज़रूर रखें जिस समय आप स्टडी करें, और आपके पास ना मोबाइल हो, ना कंप्यूटर हो, ना टीवी हो, इस प्रकार की कोई भी डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ आपके आसपास भी ना हो। अगर आपके पढ़ने का कमरा या आपका कमरा अलग है तो उस कमरे से मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर, इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर कर सकें, ऐसा कोई जगह आपके पास होना चाहिए और वहाँ पर आप बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। ऐसा कोई 1 या 2 घंटा आप ज़रूर डिसाइड कर लें। शुरुआत में 1 घंटे का समय आप डिसाइड कर लें कि आपको सुबह हो सकता है 4 से 5 के बीच या 5 से 6 के बीच, या जो भी समय आपको सुटेबल लगता है, या शाम को 4 से 5 के बीच जो समय आपको सुटेबल हो, वैसा 1 घंटे कम से कम ज़रूर आपको रखना चाहिए, जिस समय आपके आसपास, आपके नज़रों के सामने भी ये डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकें। तो मित्रों, इस प्रकार से जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप कम से कम 1 घंटे का समय हर दिन ज़रूर डिसाइड करिए, जिस समय आपके नज़रों के सामने मोबाइल, टीवी, टैब, कंप्यूटर, ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ आपके आसपास भी ना हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कम से कम अपने 2 मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।